एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि टाइनी ट्रायंगल ब्लैक क्रंच कीजिए। तो मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ क्रंच करने से पहले। ये ब्लैक हैं और ले लेती हूँ। ब्लैक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, और वैसे भी मैंने इनकी एक वीडियो बनाई है ड्राई में। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे चबाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड है। वीडियो बनाने के बाद मेरे दांत में भी हल्का सा दर्द हो गया था, इतने हार्ड है। साउंड आ रही है आपको? ये साउंड कर रहे हैं बहुत ज़ोर से। और लूँ या काफ़ी हैं? और ले लूँ? एक दो और ले लेती हूँ। ये मैंने ना ऊपर इनके क्यूब डाल दिए, तो निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, निकल नहीं रही है, सारे नीचे दब गए हैं। आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से इतने काफ़ी हैं, दो और निकल गया है, मैं ये और ले लूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे, टाइनी है ना, छोटे छोटे बहुत अच्छे लगे, बस काफ़ी है। दिखाऊँ मैं आपको इतने सारे? काफ़ी है ना इतने? चलो क्लीन करते हैं इनको। छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और मैं नहीं चाहती इनकी भी लेयर निकले। विदाउट लेयर ही वेट क्रंच करेंगे इनका, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बिग बाइट आएगी। टाइनी है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे टाइनी। मैं प्लेट ले लूँ एक बार। यहाँ रख लेती हूँ, पता नहीं वो साफ करके मैंने कहाँ डाल दिया। इनमें से साउंड आ रहा है बहुत जोर से, इसके तो लेयर भी निकल गई। बहुत सॉफ्ट होता है ब्लैक, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये वाला ही था जिसे मैंने क्लीन किया था। और किसी का 4-5 दिन पहले कमेंट आया था, हालांकि मैंने रिप्लाई उनको कर दिया था, पर मैं वीडियो में भी बता दूं, उन्होंने लिखा था कि दी स्लेट आइटम तो सेम ही होता है क्या, अगर शेप के साथ क्या टेस्ट भी चेंज होता है? तो मैं बता दूं कि सेप के साथ टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सेप अलग होती है। सेप सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, लोगों को पसंद आती है सेप, इस वजह से ये बनाई गई हैं। बाकी टेस्ट सेम ही होता है सबका, कुछ भी अलग टेस्ट नहीं होता। और आप लोग कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में, वीडियो के बारे में, कुछ भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं क्लीनिंग वीडियो में सबका रिप्लाई करूँगी। जब भी मैं क्लीनिंग वीडियो करती हूँ तो मोस्ट मैं कमेंट्स के जवाब देती हूँ, क्योंकि इतनी देर तक मेरे पास कुछ बातें नहीं होती हैं करने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना कमेंट के ही जवाब दे दूँ। तो याद कर करके कमेंट के ही जवाब देती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, अगली क्लीनिंग वीडियो में आपके कमेंट के रिप्लाई मिल जाएगा। क्लीनिंग वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन, मतलब कमेंट के ही रिप्लाई करती हूँ। ये क्लीन है, कुछ तो बिल्कुल ही क्लीन है। और कुछ लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, दी आप कितने समय से खा रहे हो, आपको कुछ
काम नहीं करता क्या? कि आप कितने दिनों से खा रहे हो हमें बताओ। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप लोग मत खाइए, और अगर कोई खाता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट स्वेलो ना करें, क्योंकि ये एक हार्मफुल चीज़ है। एक बार आप इसे खाने लग गए तो फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। मैं खाती हूँ, आप लोग अपनी क्रेविंग वीडियो देख के कंप्लीट करो, क्रेविंग शांत हो जाएगी, आप वीडियो देख लिया करो मेरी। बाकी आप लोग स्वेलो ना करें, मैं तो ये कहती हूँ आप खाइए ही मत, दूर रहिए, क्योंकि एक बार खाने लग गए फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। और मुझे ये खाते हुए हो गए करीबन, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब से मैं खा रही हूँ, अभी तक मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। बाय लक, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ना हो, सबकी बॉडी अलग होती है, मेरी बॉडी को हैबिट हो गई है इसको झेलने की, इसलिए मैं झेल जाती हूँ। मैं तो कई सालों से खा रही हूँ। छोटे छोटे हैं बिल्कुल, सफाई करने में हाथ में भी नहीं आ रहे, ये थोड़ा गंदा रहता है तो क्लीन हो जाते हैं, तो खाने में कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए क्लीन करके ही खाना चाहिए, कि वो धूल सी लगी रहती है, कहीं वाइट वाइट दिखते रहते हैं, सबके हाथ लगते हैं, किसी के कैसे किसी के कैसे, तो क्लीन हो जाता है तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं क्लीन करके ही खाती हूँ, सिर्फ मैंने क्लीन नहीं किए छोटे वाले मिनी क्यूब, उनको मैंने क्लीन नहीं किया, क्योंकि एक तो वो साइज़ में इतने छोटे हैं और फिर वाइट हैं, बहुत जल्दी उनकी लेयर निकल जाएगी, लेयर निकाल के मुझे नहीं खाने थे, मुझे ऐसे ही खाने थे, लेयर निकलने के बाद पता ही नहीं लगता कि क्यूब है क्या है, क्योंकि इतने छोटे छोटे रखे उसमें से चार चार पाँच पाँच लेयर निकल जाते हैं, फिर क्यूब वाला टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने उनको वेट क्रंच कर लिया कपड़े से पहुँच के। बाकी इनकी मैंने लेयर नहीं निकलने दी, कोशिश की है, फटाफट क्लीन किया है, कुछ एक दो की लेयर निकल गई, बाकी मैंने निकलने नहीं दी, फटाफट निकाल लिए पानी से, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जल्दी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और क्लीनिंग वीडियो मैं और डालूँ या नहीं डालूँ वो भी बताना, ये किसी की रिक्वेस्ट वीडियो थी कि दीदी आप एक दो क्लीन वीडियो डाल दो, तो ये मैंने डाल दी। मैं कोशिश करूँगी दूसरा चैनल बना लूँ क्लीनिंग के लिए, फ़िलहाल इसी पे क्लीनिंग आएगी, और एक मेरा दूसरा बैकअप चैनल है जिस पे मैं फ़िलहाल ब्लॉग डाल रही हूँ, आप उस पर भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल पे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं यहाँ एक्टिव नहीं रहती हूँ तो मैं आपको वहाँ एक्टिव मिलूँगी, आप मेरे उस चैनल पर देख सकते हैं मुझे, और आने वाले समय में मैं उस चैनल पर शायद ब्लॉग वीडियो की जगह क्रंच वीडियो डालूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं वहाँ ब्लॉग ही डालूँ तो मैं ब्लॉग ही डालती रहूँगी, आप ये कहेंगे नहीं वहाँ आप क्रंच डालो तो मैं क्रंच वीडियो डाल दूँगी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो ये मैंने सबको क्लीन कर लिया है, ये ब्लैक टाइनी ट्राइंगल हैं, तो इनकी शाम को वीडियो आएगी, आप आई होप इन्जॉय कर पाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लीनिंग वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में बताना, बाय बाय।